गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर एंड टुडे इज आवर न्यू चैप्टर इन साइंस, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर 8। यू नो फोर्स इज नीडेड टू पुल आर पुश समथिंग, एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क। फोर्स जो होता है किसी चीज़ को पुल या पुश करने के लिए यूज होता है, और एनर्जी क्या है? एनर्जी से जो रहेगी उस कार्य को करने के लिए चाहिए होती है। हैव यू एवर बीन ऑन ए स्विंग? व्हाट मेक्स द स्विंग गो अप? यू पुश द स्विंग विथ योर लेग्स एंड बॉडी, द इम्पटी स्विंग मूव व्हेन द विंड पुश इट। तो क्या होता है, जब आप झूले पे बैठते हैं तो उसको आप अपने पैरों और शरीर से पुश करते हैं, तभी वो क्या होता है, मूव करता है। और अगर इम्पटी स्विंग है तो उस पर विंड पुश करती है, तब वो मूव कर सकता है। पुश आर पुल मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। पुश करना या पुल करने पर ही ऑब्जेक्ट क्या होता, मूव होता है। फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट। When you push a table, you apply force on it. If the force is sufficient, the table move. जब आप मेज को push करते हैं, उस पर force apply करते हैं और वह force जितना ज़रूरत है उस table को move कराने के लिए, अगर उतना force आप apply करते हैं तो table move कर जाएगा। विंड मूव्स द ब्रांच ऑफ ट्रीज बिकॉज इट हैज़ ए फोर्स। फ्लोइंग वाटर मूव्स द बोट बिकॉज इट हैज़ ए फोर्स। द बुल पुल्स द कार्ट बिकॉज इट अप्लाइड द फोर्स। हवा में भी फोर्स होता है, पानी में भी फोर्स होता है, तभी वो किसी चीज़ को मूव करा देती हैं। फोर्स, फोर्स इज needed to pull or push something. For example, you cannot push a ball without using force. You cannot move an object without using enough force. To move a light object such as a pencil, you use less force, and to move a heavy object such as table, you have to apply more force. तो जैसे force अगर है तभी कोई चीज़ मूव हो सकती है, जब आप पुश या पुल करेंगे, और बिना पुश या पुल किए बॉल मूव नहीं कर सकती है, और ना ही आपकी छोटी सी लाइट पेंसिल, उस पर भी अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो कोई चीज़ उससे आप लिख नहीं सकते हैं। तो ये सब फोर्स अप्लाई करने पर ऐसा होता है। इफ़ यू हैव प्लेड ए हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, यू वुड हैव नोटिस दैट यू कैन स्टॉप ए मूविंग बॉल, चेंज इट्स स्पीड्स एज वेल एज चेंज इट्स डायरेक्शन। टू डू से सो यू हैव टू यूज सम फोर्स। दस फोर्स कैन मेक थिंग्स स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन। तो इस हॉकी स्टिक से आप बॉल का स्पीड चेंज कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके उसे रोक सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।